हेलो गाइस, कैसे हो वो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज चना का साग बनाएंगे फ्रेंड्स गाइस। तो फिर चलिए चलते फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। और सबसे पहले ना ऑयल ऐड करेंगे और मूंग दाल को भून लीजिएगा पहले, क्योंकि मूंग दाल को अगर फ्राई कर लेते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और अब उसमें छौंक लगाएंगे लहसुन, कुटा हुआ लहसुन का और हरी मिर्च। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और सरसों का भी तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स। और फिर जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम उसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और ये ना बहुत अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड्स, आप बना के एक बार देखना, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग की तो उड़ीसा में इसी टाइप से बनती है, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए चलते फिर इसमें पानी ऐड कर देते हैं और फिर इसमें जो है भुना हुआ दाल और अरवा चावल को भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया है उसको भी ऐड कर देंगे। और फिर बैंगन, सीम सबको ऐड कर देंगे। आलू भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में मेरे पापा मम्मी को डायबिटीज़ है इसीलिए मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किया। आप लोग चाहो तो आलू एक ऐड कर सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करना। और जो मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब देख रहे हो आप, मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इसको जो है हल्दी ऐड कर देंगे एक चम्मच और इसको ढक देंगे फ्रेंड्स, इसको ढक देंगे। फिर 10 मिनट बाद देखेंगे कि ये जब उबल जाए, ये उबलने लगा है तो इसमें जो है हम लोग सीम और बैंगन को मैंने काट के रखा है, तो इसमें सीम और बैंगन ज़रूरी है और इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब फिर उसको जो है थोड़ी देर चलाएंगे और ढक देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाए फ्रेंड्स तो इसमें हम लोग जो है ना वो जो साग होता है चना का, उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे करके उसको काट के रखा हुआ है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी ये देख रहे हैं आप, अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी इसमें। देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा इधर जो है दालमा चढ़ा हुआ है और मेरा दालमा भी बन चुका है। तो आज लास्ट गुरुवार, आप देखिए, आप देख सकते हो अभी दाल और जो है सारी सब्जियां पक चुकी होंगी। देख थोड़ी देर इसको हिलाएंगे और फिर इसमें जो है मैं जो छोटे छोटे आकार में कटे हुए साग है, बहुत छोटे छोटे मतलब आकार में इसको काटना पड़ता है, तो छोटे छोटे पीसों से काट के अब उसको जो है इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। 5 मिनट तक चलाते रहेंगे फिर, और 5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे और हमारा जो साग है रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और आज मैंने लंच में बनाया है यही साग और दालमा। और फ्रेंड्स मैंने चटनी भी, मूली और टमाटर की चटनी बनाई है, बस यही सब बनाया और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ आपके पास अपना कीमती समय निकाल के एक लाइक ज़रूर करना और मेरे वीडियो को और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करना फ्रेंड्स। तो अब ये सब मेरा लंच है आज का, तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और ये अभी देख सकते हो मेरी गोभी अभी मेरी बन रही है क्योंकि गोभी कंप्लीट नहीं बना था। और ये मूली टमाटर की चटनी है फ्रेंड्स। तो फिर मिलती हूँ आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड सपोर्ट मी।